हेलो एंड वेलकम टू आउटलुक। मेरा नाम राखी बोस है और मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ हूँ, जो अभी फिलहाल दिल्ली में सांसद बन के लौटे हैं, नगीना के नए सांसद हैं। कंग्रेचुलेशन सर। कैसा लग रहा है इस बार दिल्ली में आप आए हैं? इसके पहले आप प्रोटेस्टर और प्रोटेस्ट करने आए थे, क्रांतिकारी हिसाब से आए थे, इस बार आप सांसद हिसाब से आए हैं दिल्ली में, क्या कुछ अलग लग रहा है? कुछ भी अलग नहीं, तब भी जिम्मेदारियाँ थी और आज भी जिम्मेदारियाँ है। एक समय था जब मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी थी, जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया कि वो मैं भारत में अकेला ऐसा हूँ जो उभरते नेताओं में, तो भारत की मीडिया ने जो उसका चरित्र है उसके हिसाब से मेरा खूब मजाक उड़ाया, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा था और हमने उसको साबित भी किया कि जहाँ तमाम पार्टियाँ धनबल वाले, 100-100 साल पुरानी पार्टियाँ, 50-50 साल पुरानी पार्टियाँ, जिनके पास MP हैं, MLA हैं, साधन है, संसाधन है, पैसा है, अथाक संपत्ति है, सब कुछ होते हुए भी वो लोग हमसे हमारा मुकाबला नहीं कर पाए और हमने एक मजबूत जीत जो है लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हम लोग जीते। ये इस बात की उपस्थिति है कि अगर कोई ईमानदार से काम करता है और जनता उसका साथ देती तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी। उत्तर प्रदेश में इस बार दलित वोटों में काफी शिफ्ट दिखाई पड़ा है, इस बार समाजवादी पार्टी को वोट मिले हैं, BSP को नहीं मिला है और इनफैक्ट BJP के साथ भी जो वोट बीच में जा रहा था वो नहीं गया है। आपको क्यों लगता है कि ये शिफ्ट क्यों आया और इससे जो वोटर है, जो दलित वोटर जनता है, वो क्या बताना चाहती है? देखिए, फर्स्ट बात ये है कि दलित समाज जो है वो बहुत जागरूक समाज है और खाली दलित नहीं, पिछड़े समाज के लोगों में बहुत बड़ा शिफ्टिंग हुआ और वो इनके कहीं से नहीं हुआ जो इंडिया अलायंस के लोगों पे, क्योंकि ये तो बहुत दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पिछले 1.5 साल से एक बहुत मजबूत संघर्ष जो है लोगों के बीच जाके, उन्हें शिक्षक भर्ती का मामला हो, नीट का मामला हो, रोस्टर का मामला हो और तमाम तरह से जो है SSC GD का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला, एक जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने एक जो है मजबूत संघर्ष करके वैचारिक शक्ति डेवलप करने काम किया। इंडिया अलायंस के लोग हमारे साथ रहेंगे इस बात का एक लंबे समय तक चर्चा चलती रही, फिर उन्होंने हमें लास्ट टाइम आके हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी नहीं घबराए, हमने फर्स्ट फेज का चुनाव लड़ा। उसके बाद हमने जिन जिन सीटों पर हम भाजपा को रोकने में मदद कर सकते थे विपक्ष की हमने की, उन्होंने भले ही हमारा साथ ना दिया लेकिन हमने संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा की और उसी का परिणाम है कि बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग हुई। ये स्वेतन ही हुई, ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे संगठन के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए विपक्ष को, जिनको जिनकी मदद जो है हमारे संगठन ने की और जिसके कारण जो है परिणाम भाजपा और खुद अलायंस के लोग इस बात से असहमत हैं कि उनको विश्वास नहीं था कि इतना वोट आ जाएगा। तो ये PDA इसका मतलब सक्सेसफुल रहा, आपको लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से? अब आने वाले चुनाव में पता लगेगा वो तो कितना सक्सेस रहा, लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं, ये उनको आने वाले चुनाव में पता लगेगा। मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिनमें यादव, जिनमें पटेल, जिनमें कुशवाहा, जिनमें मौर्य, शाक्य और पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, ये जो समाज है अब ये जागरूक समाज हो रहा है, ये नेता पे नहीं विचारधारा के साथ, बुद्ध, कबीर, नानक, सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, इनके जो महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, मामला राम सुवर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्नाय कपूर, ये जो महापुरुष हैं, संत राम भी, ये प्रजापति, बाबू सिद्धार्थ, इनकी विचारधारा के साथ खड़ा हो रहा, उसी का इंटैक्ट है, वही कारण है कि उनके अंदर विचार की शक्ति पैदा हो रही है, तो वो धार्मिक गुलाम नहीं बन रहे, इसलिए अपनी वोट का सही प्रयोग कर रहे हैं। उनकी वोट का सही प्रयोग ये है कि भाजपा को कई जगह बहुत जो है बड़ी हार का सामना करना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री भी बहुत कम वोटों से जीते, उनसे ज्यादा वोटों से उनके बहुत सारे मंत्री जीते, आप देखिए कितना बड़ा बदलाव है। तो धार्मिक स्थलों से भी इस बार काम नहीं चला और जनता ने अपने मुद्दों पर वोट दिया, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना, आरक्षण, तमाम जो बुनियादी चीजें उन पर वोट किया और इसका परिणाम है कि इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री जब शपथ लेने आए उससे पहले जब पार्लियामेंट में अपने लोगों से बात करें तो भारतीय संविधान को नमन करते नजर आए। तो क्या एक मंडल 2.0 या नया मंडल बनता दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो एक नेशनल लेवल पे उसका नेतृत्व आपको क्या लगता है कि कहां जनता से आएगा? ही नेतृत्व कर रही है, विपक्ष नहीं, जनता ही नेतृत्व कर रही है, जनता ने मुझे वोट दिया, जनता ने उन्हें वोट दिया, जनता ही विपक्ष है और जनता जब विपक्ष होती है, बहुत पुराने इतिहास में भारत में गवाह है कि बड़ी बड़ी सरकारें गिरी, ये सरकार भी उसके करीब थी, अगर अलायंस थोड़ी सी अकदमंदी दिखा देता, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करता और हमारे रास्ते ना रोकता तो परिणाम कुछ और होते, अलायंस 300,000 सीटें जीत के जाता और भाजपा जो है वो 200 से नीचे सीटों में रह जाती, सिमट जाती भाजपा लाइन।
एक समय था जब कांशीराम के पीछे पूरा दलित समाज एक साथ साथ में आया था, उसके बाद हमने देखा कि एक नेशनल लेवल पे जो लीडरशिप आई वो मायावती की तरफ से आई। क्या आपको लगता है कि अब आप अपने आप को उस जगह में देख रहे हैं जहाँ पे एक नेशनल लेवल पे आप लीडरशिप और कंसोलिडेशन कर पाए? मैं कंसोलिडेशन कर पाऊंगा इसका मुझे भरोसा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन हमारे साथ बीमार में आजाद समाज पार्टी का। लेकिन माननीय कांशीराम साहब हमारे नेता हैं, बहन जी हमारी नेता हैं, वो बहुत उन्होंने काम किया समाज के लिए। मैं उनके जैसा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैं उसमें संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग सफल भी हो जाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है, समाज समझदार हो गया है। आप इसका उदाहरण इस तरह लीजिए कि बहुत बड़ा वोट जो है मुझे कर्मचारियों का भी मिला है, और कर्मचारियों से जो वार्ताएं मैंने की हैं देश भर में, उसका फायदा मुझे मिला है। उन्होंने मेरी बात को और वर्तमान के हालात को समझ के अलायंस को वोट किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पढ़ा लिखा समाज किसी रास्ते पर चल पड़ता है तो उससे नए अवसर पैदा हो जाते हैं। ये नए अवसर उसी तरह हम लोग देख रहे हैं, और मेरा भरोसा आने वाले कल में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप सांसद बन के नगीना के लिए या अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहला क्या सोच रहे हैं कि क्या सबसे पहले करना? सबसे पहले मैं ये प्रयास करूंगा कि नगीना में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या, बहुत दूर दूर तक अन्य अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हमारे लोगों को जाना पड़ता है वहां से। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे और वहां से जो है रोजगार के साधन पैदा हो। उसके साथ साथ वहाँ गंगा है, गंगा के साथ पर्यटन का बहुत बड़ा व्यवसाय जो है जुड़ सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने में आसानी। दूसरी बात, वहाँ एक भी हायर सेंटर नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि एम्स जैसे हॉस्पिटल मेरे लोकसभा क्षेत्र में मिले, बने, और हमारी क्षेत्र की जनता को जो है बीमार होने पर, परेशानी होने पर हायर सेंटर का लाभ मिल सके। बहुत लोग की जान जाती है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ से किसानों की पूरी फसल तबाह हो जाती है। मुआवजे के नाम पे सिर्फ जो है मजाक सा हो जाता है। वो पूरा क्षेत्र बाढ़ का रास्ता वही है उत्तराखंड से गंगा के आने का। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मुहावना है गंगा का, तो मैं कोशिश करूंगा बाढ़ की समस्या के लिए मैं देश की जो वर्तमान की सरकार बनी है उनको बार बार जो है उनको चेताने काम करूंगा। अपना सवाल उठाऊंगा कि वो किसानों के दर्द को समझे और बाढ़ से जो नुकसान होता है उसमें उचित मुआवजा दे, परमानेंट इलाज जो है इस समस्या का हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ अभी गुलदारों की समस्या जो एक समस्या हमारे यहाँ पैदा, जिसने कई जाने ले लिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और जो है तमाम तरह से जो परेशानियां हैं उन पे भी, सफाई कर्मचारियों की समस्या है मेरे क्षेत्र में, तो उनको कच्ची नौकरियां हैं, पक्की नौकरियां नहीं है, उनको जो है ठेकेदारी पे काम करना पड़ता है, और जब चाहे उनको लोग निकाल देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको पक्की नौकरियां मिलें, और तमाम तरह से जिस तरह से भी मैं लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकूं, महिलाओं को कुटीर उद्योग लगवा के उनको घरों तक रोजगार दिला सकूं, पुरानी पेंशन 500 रुपये मिलती है इसको बढ़ा के ये 5,000 रुपये, तमाम तरह की चीज़ें जिससे जो है, मैं चाहता हूँ बहनों के लिए वहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलें। मेरा मत है कि एक यूनिवर्सिटी वहाँ बननी चाहिए, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वहाँ बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ बहुत अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, जहाँ वहाँ बहनों को भी जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और भाइयों को भी। और मेरा एजेंडा तो देश भर में है कि समान शिक्षा लागू, चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का, चाहे उद्योगपति का बेटा हो, सबको एक जैसी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिले, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। शिक्षा जो है आपके रास्ते खोल रही है। तो और मैं बहुत तमाम तरह की चीज़ें कोशिश करूंगा, लगातार करता रहूंगा, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर जुल्म होगा उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला सुरक्षा पर मैं बहुत मजबूत जो है कार्य करूंगा। वहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिलूंगा कि वहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हों, कोई भी हिंसा जाति धर्म के नाम पर हो। और मैं स्पष्ट करता हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि मैं जाति से अलग हटके अगर कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ लड़ूंगा। अगर वो अपराध करेगा उसको सजा दिलाने काम कर मदद कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अधिकारी कर्मचारियों की मदद भी लूं और उनका उनकी मदद करूं। बस एक आखिरी सवाल कि हमने देखा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम दलित बहुजन लीडरशिप आता है, यंग लीडर्स आते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, जैसे कि जिग्नेश मेवानी वो नेता भी बनते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कहीं एक नेशनल लेवल पे लॉस्ट हो जाता है। तो आप एज अ न्यू लीडर, एज अ फ्रंट विनर, फ्रंट रनर ऑफ दिस मूवमेंट, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लीडरशिप को कि एक, जैसे आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले कि दिल्ली में 16% वोट है जो नहीं मिल रहा है एट दिस पॉइंट, तो क्या करना चाहिए कि हम ये एक नेशनल लेवल पे इस चीज को एक साथ मैं में आपको स्पष्ट करूं, इसके लिए आपको स्टडी करना चाहिए 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का। आपको एहसास होगा कि मध्य प्रदेश में हम बहुत कम वोटों से सीटें हारे। ऐसे ही हम लोग राजस्थान में अगर आप देखोगे तो 5,000, 7,000, 11,000 के अंतर से हम कई सीटें हारे। हम वहाँ 10, 11, 12 सीटों पे तीसरे नंबर पे थे, कई सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे थे। और उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हमें मतलब हम बहुत कम मार्जिन से सीटें हारे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ,
कि भीम आर्मी का जो संगठन था जो अब आजाद समाज पार्टी के रूप में डेवलप हो रहा है तो वो बहुत सारे स्टेट्स में है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमारी मूवमेंट नेशनल मूवमेंट है, हमारी मूवमेंट स्टेट की मूवमेंट है ही नहीं जी। हमने ये साबित करके दिखाया, हमारा नया सिंबल था, मैं खुद प्रत्याशी ना, तो भी हमें 74,000 वोट राजस्थान मिले हैं, कई जगह पे तो 74,000 में 2 MLA बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो नौजवान हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। और जिस तरह से हमारे पढ़े लिखे कर्मचारियों ने और मिशनरी लोगों ने, पुराने मिशनरी लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले, रविदास जी को मानने वाले, गुरु नानक देव जी को मान जाए, उनके पंथ के जो अग्रणी हमारे जो हैं संत गुरु, उन्होंने हमारा साथ दिया। मुस्लिम जो मौलाना धर्म गुरु हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। किसानों के बड़े बड़े संगठनों ने हमारा साथ दिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के सहारे जैसी यूनिटी और एक नए समीकरण नगीनाम बने हैं कि वहाँ सपा अलायंस भी था, सपा अलायंस, कांग्रेस अलायंस, इंडिया अलायंस जिसको कह रहे हैं, वहाँ बसपा भी थी, वहाँ निर्दलीय भी थे, नोटा भी था, वहाँ भाजपा थी, इन सबको पिछाड़ के जनता ने हम पर भरोसा दिखाया। हम कोशिश करेंगे वो समीकरण प्रदेश भर में और आने वाले समय में देश भर में बने, एक ब्रॉड समीकरण बने और जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक सबसे बड़ी मूवमेंट में कारण ये होता है कि नायक पूजा होती है, तो नायक पूजा हम अपनी मूवमेंट में नहीं आने, जिस तरह से मैं तो पार्टी का एक सामान्य वर्कर हूँ, कार्यकर्ता, इस तरह कार्यकर्ता बन के हम लोग काम करेंगे और आगे जो लोग पार्टी के चुनाव लड़ेंगे उनको लड़ाने के लिए मेहनत करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले को मानते हैं, इसी से हम लोग कामयाब होंगे, हमें भरोसा। तो ASP को हम इसके आगे देखने वाले हैं बहुत जल्द। अब जो इतने उपचुनाव आए, आप देखिए ASP जो है उत्तराखंड के सदन में भी, असेंबली में और यूपी के सदन में भी आपको दिखाई देगी। चलिए धन्यवाद।